नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ हैं हिलसा अधिवक्ता संघ के पूर्व संयुक्त सचिव हैं प्रकाश जी। इनसे हम जानेंगे कि इन दिनों हिलसा शहर के अंदर मच्छरों का काफ़ी प्रकोप बढ़ गया है। वैसे में हिलसा नगर परिषद जो फॉगिंग मशीन चला रही है वो किस तरह के चला रही है, इसी पर बातचीत करेंगे। बताइए सर प्रकाश। हाँ, हिलसा के जो धरती पर जो काम हो रही है, मच्छरों का जनरेशन काफ़ी हद तक जा रहा है, उससे जनता काफ़ी त्रस्त है। और जो बाहर में जो मेन रोड पर और मतलब कुछ शहरी जगह पर जहाँ जहाँ कार्यालय वगैरह है वहाँ पर तो चल रहा है, लेकिन और जो जहाँ पर विकास नहीं हो पाया है, जहाँ पर जो है गांव जैसा माहौल है, वहाँ पर मच्छरों का जो मतलब अटैक हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखने की विशेष ज़रूरत है। जैसे हम देखते हैं कोर्ट के पश्चिम ही एक पानी का बहुत बड़ा जमाव है, और उस जमाव में मच्छरों की संख्या काफ़ी अधिक है, जो कि सुरेंद्र कातिव जी का जो मकान है उनके पीछे मच्छरों का इतना बड़ा भंडार है कि कुछ कहा ना सकता है। वहाँ पर लोग अस्त व्यस्त की जिंदगी मतलब जिंदगी जी रहे हैं, उससे काफ़ी प्रभावित हैं। और सरकार को वहाँ पर चाहिए या जो भी मतलब यहाँ पर का जो पदाधिकारी लोग हैं नगर निगम का, उनको विशेष रूप से उस पर केयर करके वहाँ पर की जनता को भी लाभ दिलाने का कार्य करें। क्या लगता है सर कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जो फॉगिंग मशीन है हिलसा नगर परिषद के द्वारा, वो खाना पूर्ति की जा रही है, सिर्फ मेन बाज़ारों में चला जा रहा है? हाँ, सिर्फ मेन बाज़ार है। हमको समझ से जहाँ तक मेरा जानकारी है कि जो इधर उधर जो गांव टाइप के जो मोहल्ला है जो अनडेवलप है, और वहाँ पर पानी का जमाव काफ़ी मतलब है, वहाँ पर निश्चित रूप से मच्छर की संख्या इतना अधिक है कि वहाँ पर लोग अस्त व्यस्त महसूस कर रहे हैं। मच्छरों से हिलसा नगरवासी परेशान है? हाँ, परेशान। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ क्या हाल? वहाँ पर भी बहुत स्थिति ख़राब है। जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर भी मतलब पानी का जमावड़ा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो है वहाँ पर मच्छर की संख्या मच्छर का जो मतलब जो है जो बार हमेशा हमेशा हो रहा है, और उससे मैं भी प्रभावित हूँ और लोग भी प्रभावित हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि शहर से इस मच्छर वाली दुनिया से ग्रामीण क्षेत्र ही बेहतर है? हाँ, मच्छर वाला जो रात भर मच्छर कितनों जो पंखा चलता है, उसके बाद भी जो है वहाँ पर मच्छर का जो अटैक है जो कि होते ही रहा है रात भर जो है, उसको वहाँ के लोगों को निश्चित रूप से इसका मतलब इसका बचाव करना चाहिए, लेकिन जो ठोस पहल है वो अब तक नहीं हो पाया। हाँ, अब तक नहीं हो पाया। ठोस पहल है जो कि अभी तक नहीं हो पाया है वहाँ पर, उसके बारे में कुछ मतलब पहले मच्छरों के निजात के लिए एक अब तो नया तकनीक आ गया फॉगिंग मशीन, पहले छिड़काव की जाती थी कई तरह के कुटकी सब पाउडर, वो सारा चीज़ अब नहीं होता है। हाँ, जो पहले वाला जो छिड़काव होने वाला जो समस्या है अभी बहुत कम है। धुआं वाला कभी कभी जो है मतलब कि दूर में कहीं कहीं आता है, उससे कुछ लोग जो है कुछ अच्छा महसूस करते हैं। और जहाँ पर पानी में जो मच्छर जो है पाउडर छिड़काव पहले जाता था, अब नहीं होता। हाँ, पाउडर छिड़काव वाला कार्य नहीं हो रहा है। वो भी मतलब होता तो अच्छा रहता।